हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो आज हम करेंगे अध्याय 7 लोक संगीत। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई बच्चा चाहे वह आरएएस की कर रहा है, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, तो वहां पर ये चैप्टर जो है वह भी है लोक संगीत। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन जो है वो यदि एग्जाम में आ जाए तो वो भी आपके फ्री के मार्क्स होंगे। तो चैप्टर जो है छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश यहाँ बहुरंगी लोक जीवन का सृजन करता है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोक गीत यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, जो भी इम्पोर्टेंट बात होगी वही आपको बताती जाऊंगी, कि ये चीज जो है वो आप नोट करिएगा। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार क्या है? लोक गीत, जिन्हें विभिन्न उत्सवों व अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोक वाद्यों की संगति इनके माधुर्य में वृद्धि होती है। तो जहां जो उत्सव होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, लोकगीत जो है वो गाए जाते हैं, तो वहीं पर उनके साथ क्या करते हैं, लोकवाद्य जो है वह भी उनकी सुर में सुर मिलाते हैं। ठीक है, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। गांधी जी के शब्दों में, लोक गीत ही जनता की भाषा है, लोक गीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके कथन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं कि जो लोकगीत हैं ये संस्कृति का सुखद संदेश लेकर आती है, ये एक ऐसी कला है। और गांधी जी क्या कहते हैं कि लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकगीत उस जनसमूह की संगीतमय काव्य रचनाएं हैं जिनका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक रूप से अविरत संबंध रहता है। नेक्स्ट देखिए, लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती। ठीक है, लोकगीत अलग है, शास्त्रीय संगीत अलग है, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों यथा पारिवारिक, सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व त्योहार, देवी देवताओं, विधि विधान और कर्म कांड से संबंधित होते हैं। तो इसीलिए शास्त्रीय संगीत कहना यह सही नहीं होगा। तो ये लोकगीत अलग है, शास्त्रीय संगीत अलग होता है। शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि लोकगीत जो है जो दैनिक अनुभव होते हैं, सच्चाई होती है, जो वहाँ के रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, सामाजिक अवसर होते हैं, उनसे संबंधित जो है वह ये गीत होते हैं। तो सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहां बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित रहते हैं। तो यहां तक बस दो ही लाइनें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं और गांधी जी ने क्या कहा। राजस्थान के लोक संगीत को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। लोक संगीत के प्रथम भाग में वे गीत आते हैं जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं, और दूसरे वो आते हैं जो सामंत शाही के प्रभाव से विकसित हुए। कई जातियों ने अपने आश्रयदाता, राजा, महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि की प्रशस्ति में गीत बनाए और इन्हें व्यावसायिक रूप में अपनाया। और तीसरे भाग में कौन से गीत आते हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो तीन तरीके के गीत हैं। एक तो जन सामान्य जो कि उत्सव अवसरों पर गा रहे हैं, दूसरे जो कि सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए, और तीसरे जो कि क्षेत्रीय प्रभाव को दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जन सामान्य के लोकगीत। सर्वाधिक लोक संगीत संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं, जो कि हम जानते भी हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है, तो इनको शास्त्रीय गीत जो है वो नहीं कह सकते। वैवाहिक अवसर पर सगाई, बधावा, चाक भात, रत जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, घोड़ी बनाबनी, वर निकासी, तोरण, हतलेवा, कंवर कलेवा, जीमणवार, कांकड़ डोरा, जला जुआ जुई आदि गीत गाए जाते हैं। तो विवाह के अवसरों पर, त्योहारों पर ये चीज गाई जाती हैं। तो ये क्या है, लोक गीत हैं जो कि जन सामान्य में गाए जाते हैं। विवाह पूर्व वर वधु की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बना बनी के गीतों में मिलती है। विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय बिंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। वर निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की रस्म के समय
घोड़ी गाई जाती है। वधू के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख जला गीतों में मिलता है। शिशु के जन्म अवसर पर जच्चा कहे जाते हैं। इनमें सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास, शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। तो देखिए बिल्कुल सामान्य बात है जो कि हम सभी जानते हैं, लेकिन चैप्टर जो है वो छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि यदि चैप्टर छोड़ देती तो कई बच्चे कहते कि ये चैप्टर आपने नहीं करवाया। त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्र, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व हैं। गणगौर का पर्व चैत्र माह में 16 दिन तक कुमारी कन्याओं व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। गणगौर का प्रसिद्ध गीत खेलण दो गणगौर, भवर माने खेलण दो गणगौर, ठीक है, मारी सखियां जोवे बाट हो, भवर माने खेलण दो गणगौर, तो ऐसा गीत जो है वो गाया जाता है। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य गीत राजस्थान की पहचान बन चुका है। गीत इस प्रकार है, मारी घूमर छे नखराली, ए मां गौरी घूमर रमवा में जास्या। तीज पर श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान किया जाता है। होली के समय फागुन में पुरुषों की टोलियां रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। तो ये चीज जो है वो हम सभी को पता है। राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म, वर्षा और बसंत, इनके गीत जैसे फाग, बीजन, श्याला, बारहमासा, होली, चैती, कजली, जाड़ा, सावन के गीतों में चौमासा, पपेयो, बदली, मोर संबंधी गीत और इंद्र देव की स्तुति आदि है। लोक देवताओं में तेजा जी, देव जी, पाबू जी, गोगा जी, जुझार जी आदि वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, अतः उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन जो हैं वो भी गाए जाते हैं। तो लोक देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता, इनकी पूजा आदि अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। इनकी आराधना में भी क्या गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। तो ये भी क्या है, जन सामान्य के लोक गीत हैं। मीरा कबीर, दादू रैदास, चंद्र सखी, पक्तावर जी आदि के पदों का गान व नाथपंथी व निर्गुणी भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधी गान और करौली क्षेत्र में कैला देवी भक्ति के लांगुरिया गीत अति लोकप्रिय हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों व प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे गीतों में इनोड़ी, कांगसियो, गोरबंद, पणिहारी, लूर, आलू, सुपणा, हिचकी, मूमल, कुर्जा, कांजलिया, कागा, अति, ये क्या है, सभी अत्यंत मधुर हैं। और बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित जो कामन गीत हैं आदि में लोक संगीत का सौंदर्य दिखाई देता है। तो सामान्य जो गीत थे वो किन किन अवसरों पर गाए जाते हैं ये हमने देखा। नेक्स्ट है दूसरी तरीके के व्यवसायिक जातियों के लोकगीत। राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया। इनमें डोली, मिरासी, लंगा, डाणी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामण, बैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथिक, ये सभी शामिल हैं। तो ये व्यवसायिक जातियों के नाम हैं जो कि लोकगीत गाने में आगे रहती हैं। तो इनके नाम जो है वह भी याद रखिएगा, कौन से हैं, ढोली, मिरासी, लंगा, डाणी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामण, बैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया और कथिक। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्यमय होते हैं। इन्हें ख्याल और ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुरकियों और विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मान, देश, सौरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, आशावरी, बिलावल, पीलू, खमाज आदि कई रागों की जो छाया है वह प्रतिबंधित होती है। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। अब ये लाइन जो है वो ही याद रखनी है आपको, ठीक है, पहले की दो लाइनें याद रखनी है, उसके बाद राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायिका कौन है, पद्मश्री अल्लाह जिलाई। देखिए ये प्रश्न जो है वो आपके पूछा जा चुका है, ये आपको भी पता होगा कि सुविख्यात मांड गायिका जो है वो कौन है, पद्मश्री अल्लाह जिलाई बाई का गाया
पधारो हमारे देश, ठीक है, सुना होगा आपने, पर्यटकों को खुला निमंत्रण है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार प्रचलित हैं, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की और जैसलमेर की मांड। तो ये चीज जो है इस पहरे को जो है वो पूरा याद रखना है। यहाँ के अधिकांश दोहे देश और सौरठ पर आधारित हैं। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित थे। तीसरा देखिए क्षेत्रीय लोकगीत। अभी हमने व्यावसायिक लोकगीत देखा, तो उस चीज को आपको याद रखना है। क्षेत्रीय लोकगीत राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, समतल मैदान सभी विद्यमान हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत अधिक आकर्षण और मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वर, लंबी धुन, अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। कुर्जा, पीपली, रतन राड़ो, मूमल, घूंगरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। कहाँ के लोकगीत हैं ये? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्रीय लोकगीत हैं। कौन से? कुर्जा, पीपली, रतन राड़ो, मूमल, ठीक है, मूमल, घूंगरी, केवड़ा यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। कामड़, भोपे, सरगने, लंगे, मिरासी, कलावंत आदि यहाँ की प्रमुख संगीतज्ञ जातियां हैं जो इनको गाती हैं। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, माउंट आबू ये आते हैं, यहाँ पर सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। यहाँ भील, मीणा, गरासिया, सहरिया ये सभी जनजातियां निवास करती हैं, ठीक है। तो भील जो है वो सबसे प्राचीन जनजाति है। मीणा जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है। इनके गीतों की धुनें सरल सरल, संक्षिप्त और कम स्वरों वाली होती हैं। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत पटेलिया, पीछियो, लालर, माझर, नोकीला, थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार आदि हैं, ठीक है। नाम याद रखने हैं कि ये किस क्षेत्र के लोकगीत हैं। पटेलिया, बीछियो, लालर, माझर, नोकीला, थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी और शिकार कहाँ के हैं? मेवाड़ क्षेत्र के हैं। उसके बाद है उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? हम सीणो, जिसे स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों मिलकर गाते हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। राजस्थान के समतलीय भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर आते हैं। यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित है। यहाँ भक्ति और श्रृंगार रस के गीतों का भी आधिक्य है। इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान का एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, जिसके पीछे का कारण जो है यहाँ पुरुषों के जीवों को उपार्जन अथवा व्यापार आदि वो लोग क्या चले जाते हैं? परदेश चले जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन जो है वह गीतों में अधिक दिखाई देता है। श्रृंगार रस के बाद शांत रस और फिर वीर रसात्मक गीत आते हैं। उसके बाद बच्चों के कुछ खेल गीत होते हैं, तो यहाँ इन्हें पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की टोलियां प्रायः सबके घर जाते हुए निकल जाती हैं। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या बोलते हैं? लोहड़ी कहते हैं, हरणी भी कहते हैं, और लड़कियों के द्वारा जो गाए जाते हैं उन्हें घडल्यो कहते हैं, ठीक है। तीनों शब्दों को याद रखना है, लोवड़ी और हरणी ये लड़कों द्वारा गाए जाते हैं और घडल्यो जो है वह लड़कियों द्वारा, जो कि मेवाड़ में प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए चैप्टर जो है वह कंप्लीट हो जाता है। क्या आप जानते हैं, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पुरुषों के गीत भजन, होली पर चंग के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण, कीर्तन ये पुरुषों के गीत। बालकों के गीत गीतों के अवसर चौक चांदी, गणेश चतुर्थी महोत्सव पर ढप के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण के भजन और दीपावली पर। स्त्रियों के गीतों का अवसर कब होता है, कब गाएंगी? होली पर गाती हैं, तीज घनघोर पर गाती हैं, विवाह पुत्र जन्मोत्सव पर गाती हैं, राती जगे, हरजस, बारामासी, शीतला, पावणा के स्वभाव गमन पर, कार्तिक स्नान, जच्चा, जात, जडूले और मेले यहाँ इन अवसरों पर स्त्रियां गीत गाती हैं। और बालिकाएं कब गाती हैं? गणगौर पर, जीजा के आगमन पर, चाना चट के त्योहार पर, तीज पर, होली और दिवाली पर। तो इस तरीके से आपका 7th चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, तो क्वेश्चन देखिए बहुचयनात्मक प्रश्न, पटेलिया, बीछियो, लालर क्या है? तो
तो हमने अभी बिल्कुल अभी पढ़ा था, ये क्या है, ये लोकगीत है। और सेकंड है क्वेश्चन, लांगोरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है, जीण माता, खाटू श्याम जी, केला देवी या श्री महावीर जी? तो ये सभी जानते हैं केला देवी से संबंधित है। अल्लाह जलाई बाई की प्रसिद्धि का क्या कारण है, उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था तो किस लिए मिला था उन्हें, मांड गायन, नृत्य, कुंचा गायन या रावण हत्या? तो आंसर क्या रहेगा, मांड गायन। ठीक है, तो इस तरीके से अब इन क्वेश्चन को आप सोचिएगा। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है कि विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले चार लोकगीत कौन से होते हैं, सब जानते हैं, गणगौर के अवसर पर, होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा कौन सा लोकगीत, मायरा, हल्दी, घोड़ी आदि लोकगीत किस अवसर पर और जच्चा लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पांच क्वेश्चन बिल्कुल इजी ही हैं, इनको आप सोचिएगा, चैप्टर आपने पढ़ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, हम करेंगे चैप्टर नंबर 8। तो ज्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं, इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से चैप्टर जो है वो पढ़िए, इनके क्वेश्चन आंसर हम लोग लगातार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।